मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम द क्लास ऑफ इंग्लिश. टुडे आवर लेसन इज द सुनामी. अब यहाँ पे सुनामी की स्पेलिंग क्या है? टी एस यू एन ए एम आई. यहाँ पे जो टी है वो वर्ड साइलेंट है, इसलिए हम इसे सुनामी बोलते हैं. और ये जो हमारा लेसन है, इस लेसन में क्या है, हम बात करेंगे उन क्षेत्र के बारे में जहाँ सुनामी आने के बाद में कैसी हालत हुई, जो बाकी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कैसे अपना बचाव किया, उसी के बारे में हम यहाँ पे स्टोरीज, एक स्टोरी में यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. सुनामी किसे कहते हैं ये आप जानते हो. सुनामी समुद्र या जो द्वीप होते हैं उसके अंदर जब भूकंप आता है, उस भूकंप के कारण जो एक बहुत ही शक्तिशाली तरंग उठती है, विशाल एक वेव उत्पन्न होती है. और उस वेव से क्या होते हैं कि जो द्वीप है, सागर, उनके आसपास जो एरिए होते हैं, उन एरिए पे काफ़ी आपदा आ जाती है, उसे हम कहते हैं सुनामी. वो पानी के बहाव से बहा के ले जाता है, उसी को हम सुनामी कहते हैं. तो हम बात कर रहे हैं 26 दिसंबर 2004, जब सुनामी आया था, तो उसकी वजह से थाईलैंड और अंडमान निकोबार के आसपास जितने भी एरिया थे इंडिया के, उन सब पे काफ़ी क्या हुआ, नुकसान हुआ. तमिलनाडु पे भी हुआ था. तो वहाँ के लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, इस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे. दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चपेलगो. आर्चपेलगो का अर्थ है यहाँ पे द्वीपों का समूह, टापू का समूह बताया गया. ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जितने भी आपको स्टोरी मिलेगी वो कौन सी घटना पे आधारित है, अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह पर जो घटित घटना हुई है उसके आधार पर. इग्नेशियस एक व्यक्ति का नाम है, वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल. कच्चल एक नाम, एक जगह का नाम है. वहाँ पर इग्निशियस नाम का एक व्यक्ति है जो क्या एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है. हीज वाइफ वॉक अप एट 6 AM. उसकी जो पत्नी है सुबह 6 बजे उसे उठाती है. बिकॉज सी फेल एंड अर्थक्यू. अर्थक्यू का अर्थ यहाँ पे क्या है, भूकंप. वह जो उसकी पत्नी है उसे क्यों उठाती है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसने ये महसूस किया कि भूकंप आ रहा है. इग्नोशियस केयरफुली took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस ने क्या किया, उसने क्या किया, उसके एक टेबल पे क्या थी, टीवी थी. अभी क्या है, एलईडी टीवी है जो वॉल पे फिट करने वाली है. पहले क्या होता था, वैसे टीवी नहीं थी, तो पहले के ज़माने में जो टीवी थे वो टेबल के ऊपर रखते थे. तो टेबल के ऊपर थी, भूकंप की वजह से वह नीचे गिर सकती थी और टूट सकती थी. उसे बचाने के लिए इग्निस ने क्या किया, उसने उस टीवी को टेबल से उठाया, ज़मीन पे रख दिया ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं. देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस. और तभी क्या है, पूरा जो परिवार है घर से बाहर आ गया. वैन द ट्रेमर्स क्या थे, यहाँ पे झटके, यानी जो भूकंप के झटके थे, जब भूकंप के झटके रुक गए. दे सॉ द सी राइजिंग. उन्होंने देखा कि उस समुद्र में क्या है, लहरें काफ़ी ऊपर उठ रही थी. इन द केओस एंड कन्फ्यूज. और उन्होंने क्या देखा कि उन तरंगों की वजह से क्या है, काफ़ी उथल पुथल मच गई थी, सब घबरा रहे थे. उस वहाँ का जो दृश्य था वो देखने लायक था. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. तो वहाँ पर क्या, उनके जो बच्चे थे, बच्चों ने क्या किया कि मम्मी के पापा, यानी एक ने नाना का हाथ पकड़ लिया, मदर्स ब्रदर यानी एक ने मामा का हाथ पकड़ लिया. एंड रेस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. और वह है अपनी विपरीत दिशा की तरफ पहुँचे. ही नेवर सॉ देम अगेन. और बताया गया है कि जो इग्निस है इसने क्या है, फिर कभी भी उन्हें नहीं देखा. किसको, हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे. तो बताया गया उसकी पत्नी भी है जो उस तरंग, वो पानी का बहाव आया था उसमें वो बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम्प विथ हिम वेयर सेफ. और बताया गया है कि केवल 3 बच्चे ही बचे थे जो अपने नाना और मामा के साथ में आए थे.
ये एक स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी है संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव नाम का एक आदमी होता है, वो कौन होता है, एक पुलिस होता है। सर्विंग इन द कच्छ आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये जो संजीव नाम का जो पुलिस है वह क्या है, निकोबार समूह में क्या है, अपनी सेवा देता था। ही सम हाउ मैनेज्ड सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेब्स। और बताया गया है कि जब सुनामी आई तो संजीव ने अपने आप को, अपनी पत्नी को और एक छोटी सी उसकी बेटी को उन तुर्गों से अब बचा लेता है। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब बताया गया है संजीव जो पुलिस था उसने कैसे करके अपनी और अपनी वाइफ की और अपनी बेटी की जान बचा ली। तभी क्या हुआ, उसने आवाज़ सुनी सहायता के लिए पुकारने के लिए, और पुकारने वाली कौन थी, जॉन जो क्या है गेस्ट हाउस में खाना बना रसोईदार था, उसकी पत्नी की आवाज़ थी। संजीव जंप इन टू वाटर टू रेस्क्यू करते यहाँ पे बचाना हर, बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे। जब संजीव ने उनकी आवाज़ सुनी बचाने के लिए तो संजीव ने क्या किया, उस पानी के अंदर छलांग मारा और उसे बचाने की कोशिश की, किंतु क्या होता है कि वो दोनों पानी में बह जाते हैं। 13 ईयर्स ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे। अब यहाँ पे दो स्टोरी कंप्लीट हो गई है, संजीव की स्टोरी कंप्लीट। अब तीसरी स्टोरी है मेघना की। मेघना जो 13 वर्ष की लड़की है वो भी क्या है, उस पानी में बह जाती है लॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और साथ में अन्य 77% भी पानी में बह जाते हैं। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। और बताया गया है मेघना जब पानी में बह गई थी तो क्या हुआ, वह 2 दिन तक समुद्र का जो पानी था उसमें बहती रही। क्यों, क्योंकि क्या है, जब वो बही तो उसके हाथ में लकड़ी का एक दरवाज़ा आ गया था, और जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, काफ़ी हल्की होती है और पानी में बहती है, तो वो उसकी सहायता से 2 दिन बहती रही। 11 times से सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। और उसने क्या देखा, 11 बार क्या है, रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या होता है कि जब कोई किसी देश में आपदा आती है तो दूसरे राज्य की जो सरकार होते हैं उन्हें क्या है, एक राहत हेलीकॉप्टर भेजते हैं, ताकि क्या है कि जो उस आपदा में फंसे हुए व्यक्ति हैं उनकी वो रक्षा कर सके। तो मेघना के ऊपर से वह हेलीकॉप्टर 11 बार चला जाता है किंतु उन्हें दिखाई नहीं देता। बट दे डिड नॉट सी हर। उस हेलीकॉप्टर में जो आदमी हैं मेघना को नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि नीचे काफ़ी पानी और काफ़ी क्या है सामान बिखरे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों में क्या है मेघना उन्हें दिखाई नहीं देती है। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेब एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। और फिर क्या होता है कि जो पानी के बहाव जो तरंगे आती है उसकी सहायता से वो क्या आती है, समुद्र के किनारे आ जाती है, और वो वहाँ पे क्या है उस किनारे पे चलने लगती है। ये स्टोरी कंप्लीट होगी। फिर एक स्टोरी, आर्म्स जावेद वॉज 10 years old, सी वॉज स्टूडेंट ऑफ क्रेमल कॉन्वेंट इन फोर्ट विलेर। बताया गया है आर्म्स जावेद नाम की एक 10 साल की बच्ची है जो क्या है कैंडल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, और ये कहाँ है, पोर्ट ब्रेल में है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिताजी का क्या है पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम इन नैनवॉरी आइलैंड। और क्या है उसकी जो मम्मी का घर था वो नैनकॉरी की जगह पे था, वहाँ जो द्वीप है वहाँ था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और जो जावेदा की जो फैमिली थी अपने ननियाल आई हुई थी, वह वहाँ पे क्या है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी।